हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं कि मेरे फेसबुक आईडी को किसी ने हैंग कर लिया है और आप लोग के पास हो सकता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर और आप लोग से पैसा का डिमांड करे, तो कृपया आप लोग उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें। रोशन कुमार के नाम से वो फेसबुक आईडी बना हुआ है और मेरा फोटो लगा हुआ है जो कि पुराना मेरा फोटो है, और उससे 7500 रुपये का डिमांड किया जा रहा है। एक नंबर आपको देगा जो 600 से स्टार्ट होगा, नंबर लास्ट में 772 होगा, और आपको बोले कि इस पे पैसा ट्रांसफर कीजिए 7500 रुपये। तो आप लोग इस प्रकार के बहकावे में न आए, हमको पैसा का जरूरत नहीं है, हम किसी से पैसा नहीं मांगे हैं। अभी एक आदमी कॉल किया था जिसने पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए जब से हमको सूचना मिला है तब से ही हम और सोशल मीडिया के हर एक साइट पर, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम सभी के पास जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने YouTube चैनल पे भी इस वीडियो को अपलोड करेंगे और सभी आदमी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई मेरा फ्रेंड्स, कोई अपना आदमी इसके शिकार ना हो पाए। तो इसलिए सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि कृपया जरूर आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि हमने किसी के पास पैसा नहीं मांगा है मैसेज करके, और वो बंदा आपके पास मैसेज करेगा, है हेलो कैसे हैं बात करेगा, और उसके बाद बोले कि मुझे पैसा का अर्जेंट है, 7500 रुपया मुझे ट्रांसफर कीजिए। तो आप लोगों को पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। जो भी दिक्कत हो, मेरा फेसबुक आईडी एक ही चलता है, रोशन कुमार के नाम से, इसमें मेरा फोटो लगा हुआ है, न्यू लुक है मेरा, टोपी भी उसमें लगाए होंगे। तो आप लोग उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, और कभी भी आपके साथ इस प्रकार के साइबर क्राइम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर ना आ रहा है तो सबसे पहले उसके हिस्ट्री को चेक करें कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं उसके देखिएगा कम फ्रेंड। अभी अभी मैंने उस पर चेक किया तो मात्र 58 फ्रेंड्स हैं, जबकि मेरे फेसबुक आईडी पर लगभग 4000+ लोग हैं, और बहुत दिन से हम फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप कभी भी न्यू किसी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो पहले उसका हिस्ट्री चेक कीजिए, और फेसबुक के माध्यम से कोई भी अगर आपसे पैसा का डिमांड करता है तो पैसा उसको न सेंड करें, उस आदमी के पास डायरेक्ट कॉल करें, उससे नंबर ले, उससे बात करें, उसके बाद ही आप पैसा ट्रांसफर कीजिए। तो बस इस वीडियो में आप लोग का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इन्फॉर्मेशन देना सभी को कि आप लोग को पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। तब तक के लिए जय हिंद।